हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएससी एजुकेटर्स। तो आज हम अपने ऑब्जेक्टिव सीरीज का सेकंड वीडियो लेके आए हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर के ऊपर। और इसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करा था, जिसमें हमने 40 एमसीक्यूज लगाए थे। और आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर के 20 एमसीक्यूज करेंगे। और इसका लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवल्यूशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंसुरल साइकिल एट द मिड सेक्रेटरी फेज, नहीं जस्ट बिफोर एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, नहीं एट द बिगनिंग ऑफ प्रोलेटरी फेज, गलत एट द एंड ऑफ प्रोलेटरी फेज। तो ओवल्यूशन कब होता है? प्रोलेटरी फेज के खत्म होने के बाद। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर ओवल्यूशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेसेस इन टू। ओवल्यूशन में क्या होता है बच्चों की ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो आपका कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है? कॉर्पस, नहीं गलत, कॉर्पस कोलोसम, ये भी गलत, कॉर्पस लूटियम, हाँ ये ऑप्शन आपका सही है। ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्राफियन फॉलिकल आपका कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्टली मैच विद द टाइम पीरियड रिलीज ऑफ एग फिफ्थ डे, गलत। इंडोमेट्रियम रीजेनरेट्स, गलत। इंडोमेट्रियम रीजेनरेट्स 5 से 10 के बीच में नहीं होता है। इंडोमेट्रियम सेक्रेट न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन, ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। क्वेश्चन थ्री का ऑप्शन होगा सी, इंडोमेट्रियम सेक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन 11 to 18 डेज, बिल्कुल सही। राइज इन प्रोगेस्टेरोन, बिल्कुल गलत है ये। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, कॉर्पस लूटियम, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका सही है। कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट कर जाता है। प्रोगेस्टेरोन सेक्रेशन रैपिडली डिक्लाइन, गलत है ये आपका। इंक्रीज, ये भी गलत है। एस्ट्रोजन सेक्रेशन डिक्रीज, ये भी, इस सब का कोई लेना ही देना नहीं है इससे। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, कॉर्पस लूटियम क्या होगा? डीजेनरेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ह्यूमन फीमेल रीचेज मेनोपॉज अराउंड द एज। तो मेनोपॉज का मतलब क्या होता है? ह्यूमन फीमेल के अंदर आपको दो वर्ड हमेशा याद रखने होंगे। एक वर्ड होगा आपका मेनार्च, मेनार्च का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरा वर्ड जो आपका आपको हमेशा याद करना होगा और याद रखना होगा वो होता है आपका मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? जबकि मेंसुरल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाता है। और ये स्टॉप कब होता है? जब फीमेल का एज 45 से लेके 50 के बीच में होता है। तो 50 इयर्स सही लग रहा है मुझे ये ऑप्शन, 50 इयर्स के अराउंड, बिल्कुल सही। तो करेक्ट ऑप्शन इज 50 इयर्स, 15 इयर्स, गलत। 15 इयर्स में तो स्टार्ट भी नहीं होता है। 70 इयर्स, ये भी गलत। 25 इयर्स, ये भी गलत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 50 years. Moving on to the next question. The next question is a reaction of granules content which harden the zona pellucida and ensure shear block of polyspermies. Acrosomal reaction, cortical reaction, acrosine reaction, binding reaction. ये आपका एनसीईआरटी के बाहर से पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसे कर रहे हैं। और इसका आंसर होगा ए, एक्रोसोमल रिएक्शन। ग्रेनुलर्स कंटेंट जो होता है जोना पेलुसिडा के अंदर वो एक्रोसोम से रिएक्ट करता है, जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, एक्रोसोमल रिएक्शन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन। ऑटोसोम्स, टेल, ऑटोसोम्स, एक्रोसोम। तो आपने प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन हमने कवर करा था कि एक्रोसोम पेनिट्रेटिंग करने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पे टेल भी दिया हुआ है, तो एक्रोसोम के साथ टेल भी मदद करता है। तो आप करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो सकता है, आप मुझे लगता है बी ज्यादा सही लग रहा है मुझे। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऊ साइड सेकेंडरी मैचुरेशन अकर इन ओवरी, नहीं
डोमिनल कैविटी बिल्कुल नहीं, फेलोपियन ट्यूब हाँ। सेकेंडरी मैचुरेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, फेलोपियन ट्यूब। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज स्पर्मिनेशन, कॉर्टिकल रिएक्शन, ये तो होगा ही नहीं, स्पर्म मायोजेनेसिस और कैपासिटेटिन। ये तीन ऑप्शन में आपको कोई एक सही होगा। तो स्पर्मिनेशन क्या होता है? स्पर्मिनेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब, उसको हम लोग स्पर्मिनेशन कहते हैं। और स्पर्म मायोजेनेसिस होता है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजोआ को जब हम स्पर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें स्पर्मेटिट्स को जब हम स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें उसे हम लोग स्पर्म मायोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन बिफोर पेनिट्रेशन जो होता है उसे हम लोग कैपासिटन कहते हैं, कैपासिटन कहते हैं। और कैपासिटन होता कहाँ है? कैपासिटन आपका फीमेल बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि पेनिसेटन कैपासिटन अकर्ड इन फीमेल बॉडी और मेल बॉडी। तो आप याद रखिएगा कि कैपासिटन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, कैपासिटन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फॉर्म। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि स्पर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस, बिल्कुल सही मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल कब मौजूद होता है? फिफ्थ टू एट डे? नहीं, 11th-17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है कि मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल कब होता है? 11th-17th डे के बीच में होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म अकर ड्यू टू इट कॉन्टेक्ट विद जोना प्लेसुडा ऑफ द वर्म, रिएक्शन विद इन यूट्रिन एनवायरमेंट, रिएक्शन विद इन इपिडिमल एनवायरमेंट। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एक्रोसोमल रिएक्शन कब होता है? जब वो जोना प्लेसुडा के कॉन्टैक्ट में होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज विच एमॉन्ग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोजोम्स? स्पर्मेटोगोनिया, जाइगोट, सेकेंडरी ओसाइट, ओगोनिया। तो हमेशा बच्चों आप याद रखिएगा कि जो सेकेंड प्राइमरी होता है, प्राइमरी ओसाइट ठीक है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये दोनों के अंदर हमेशा 46 क्रोमोसोम होता है ठीक है। लेकिन जब वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका सेकेंडरी बनाता है, सेकेंडरी सेकेंडरी ओसाइट बनाता है, उसके अंदर हमेशा 23 क्रोमोसोम होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सेकेंडरी ओसाइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा? HCG, स्ट्रोजन। स्ट्रोजन तो प्लासेंटा सेक्रेट करता है, प्रोगेस्ट्रोजन भी प्लासेंटा सेक्रेट करता है। LH, HCG, HCG का फुल फॉर्म क्या होता है? आप हमेशा याद रखिएगा कि दो हार्मोन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक तो है आपका HCG और दूसरा है HCG का फुल फॉर्म क्या होता है? HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ह्यूमन कोरायोनिक गोनेडोट्रोपिन। और दूसरा आपका होता है HPL, HPL का मतलब होता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोज, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। तो ये और ये दोनों हमेशा कौन सेक्रेट करता है? तो ये दोनों हमेशा प्लासेंटा ही सेक्रेट करता है। तो HCG बिल्कुल सही, HCG प्लासेंटा सेक्रेट करता है, HCG तो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नॉट सेक्रेटेड पूछा है, तो नॉट सेक्रेट क्या होगा? इसमें LH होगा, LH सेक्रेट नहीं करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी,
एलएच, एलएच यानी क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसल एंड ओपन इन टू यूरेथ्रा एट। तो आपको पता होगा कि वास्ट डिफरेंस जो होता है वो सेमिनल वेसल्स में खुलता है, कौन से डक्ट के द्वारा, इजाकुलेटरी डक्ट के द्वारा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इजाकुलेटरी डक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोडुला इज अ डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रुला, आफ्टर इम्प्लांटेशन, बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड परचुरेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट किसके बीच में होता है, जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, मोडुला किसके बीच में होता है, जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल सही। क्योंकि तो जो जाइगोट जो आपका होता है वो जाइगोट डिवाइड करके मोडुला बनाता है और मोडुला डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फोइटस इज कॉल्ड। तो मैंने आपको काफी बार बताया कि फोइटस के डिलीवरी का जो हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग पार्चुरेशन नाम देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, पार्चुरेशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज ओगेनेसिस इज इनिशिएटेड इन ह्यूमन फीमेल, एट प्यूबर्टी, नहीं ये तो मेल के अंदर प्यूबर्टी के दौरान होता है, ड्यूरिंग मेनार्च, बिल्कुल नहीं, मेनार्च का मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जब शुरुआत होता है हम लोग मेनार्च बोलते हैं, ड्यूरिंग मेनोपॉज, बिल्कुल गलत, मेनोपॉज का मतलब जब रिप्रोडक्टिव साइकिल आपका स्टॉप हो जाता है उसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हाँ ये ऑप्शन सही है आपका कि ओगेनेसिस हमेशा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैमेलियन टेस्टिस, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल मैमेलियन टेस्टिस में होता है, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यहाँ भी ग्राफिन फॉलिकल, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी ग्राफिन फॉलिकल। तो करेक्ट ऑप्शन मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे सर्टोली सेल्स बिल्कुल होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स भी होता है और लेडिक सेल्स भी होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आर, जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है उसमें दो टाइप के सेल आपके पाए जाते हैं। एक तो आपका होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनिया बोलते हैं, जिसे आप लोग मेल जर्म सेल्स का नाम देते हैं, और दूसरा सेल जो होता है जिसे आप लोग सर्टोली सेल्स बोलते हैं। तो सर्टोली सेल्स का ही काम होता है कि वो न्यूट्रिट्स प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रिटिव सेल कौन होगा, सर्टोली होगा। तो सर्टोली कहाँ दिया हुआ है, सो ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। लेडिक सेल जो होता है, लेडिक सेल क्या सेक्रेट करता है, लेडिक सेल आपको एंड्रोजन सेक्रेट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसी के साथ आपका 20 MCQs कवर होता है, और हमने प्रीवियस वीडियो में इसके 40 MCQs करे हैं, और आज हमने 20 MCQs कर लिए हैं, और आपके एग्जाम में इससे बाहर शायद MCQ नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि हमने लगभग सारे MCQs कवर करे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।